मैंने 5 साल सांसद रहते हुए हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों से ज्यादा काम किए होंगे, आपको भी पता है भिवानी में, और मुझे अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हरवाया था कि नहीं। काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते, काम के वोट मिलते तो चौटाला साहब कभी नहीं हारते। दोस्तों नमस्कार। राजनेता जब चुनाव आते हैं तो उस दौरान ये कहा करते हैं कि मैंने फला काम किया, हमने इतना काम किया, हमने विकास कार्य किए, हमने विकास की गंगा बहा दी। लेकिन अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि विकास कार्यों को कोई नहीं पूछता। नेताओं के दावे होते हैं जब कभी वो चुनाव मैदान में जाते हैं तो वो चुनाव मैदान में, जो पहले चुने हुए नेता हों, वो चुनाव मैदान में जाने पर कहते हैं कि हमने इतने सारे विकास कार्य कराए, हमने रोजगार के क्षेत्र में, हमने विकास की दिशा में, ये तमाम प्रकार की बातें आप सुनते होंगे। लेकिन अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि चुनाव इनसे नहीं भैया, हवा से जीता जाता है। हवा बनाओ, मूल मंत्र है हवा बनाओ जीत पाओ। दरअसल अजय सिंह चौटाला आजकल अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए घूम रहे हैं। अजय सिंह चौटाला हरियाणा के सभी 22 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं अपनी जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। और इस संवाद में उनके साथ में साथ दुष्यंत चौटाला भी होते हैं, साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रज शर्मा भी होते हैं और तमाम नेता भी होते हैं। हिसार पहुंचे हुए थे अजय सिंह चौटाला। हिसार में उनसे अखबारनवीसों ने, खबरनवीसों ने पूछ लिया कि क्या योजनाएं हैं आपकी, उनसे पूछ लिया कि भाई विकास का जो आपने सरकार के साथ में आप थे, तो उस पर अजय सिंह चौटाला का जवाब आया कि विकास की बातों को कोई नहीं पूछता। कह दिया कि जब मैं सांसद था तो मैंने बहुत विकास कार्य करवाए, और लेकिन जब मैं चुनाव मैदान में दोबारा गया तो लोगों ने जिता दिया, कुलदीप बिश्नोई को मुझे हरा दिया। अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि अगर विकास के नाम पर वोट मिलते, विकास कार्य कराने के नाम पर वोट मिलते, तो फिर विकास तो चौधरी बंसीलाल ने खूब कराया था। आप सुनिए पहले पूरी बात को, अजय सिंह चौटाला कह क्या रहे हैं। जो आज की मीटिंग हुई है सर, इसके बारे जो मीटिंग में हुई वो सार्वजनिक तौर पे मैंने कही है, हमने कोई कुलड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं, जो बातें मन में थी वो स्पष्ट तौर पे लोगों के बीच में बताई है। अब नए सिरे से हम अपने संगठन का जहां गठन करेंगे, पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, सरकार की बेकायदगियों से लोगों को अवगत कराएंगे। विरोध पक्ष के लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, उनसे भी लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। आपने अभी एक अपने संबोधन में कहा कि काम के नहीं हवा के वोट मिलते, उसका अर्थ करें। मैंने तो उदाहरण देकर के बताया है, मैंने 5 साल सांसद रहते हुए हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों से ज्यादा काम किए होंगे, आपको भी पता है भिवानी में, और मुझे अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हरवाया था कि नहीं। काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते, काम के वोट मिलते तो चौटाला साहब कभी नहीं हारते। तो जननायक जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर तो जाएगी ना? मुद्दे अनेक हैं, अभी चुनाव घोषित होने दो, हम आपको अपने घोषणा पत्र के जरिए सबसे पहले बताएंगे। तो अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अगर जीतना है, सरकार बनानी है, तो उसका मूल मंत्र है हवा बनाओ। वैसे राजनीति के अंदर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हवा का अपना खेल होता है। हवा का ही नहीं, मनुष्य के, व्यक्ति के जीवन से लेकर के और आपके तमाम प्रकार के जो भी कार्य हैं, चाहे सड़क पर चलती गाड़ियां ही क्यों नहीं हैं, इन सब में हवा का तो अपना रोल है ही है। आप देखें तो ट्रक का जो ड्राइवर होता है, जब वो ट्रक से नीचे उतर के देखता है, पहले तेल डलवाता है, ट्रक में डीजल डलता है, उसके बाद में वो रेडिएटर में पानी चेक करता है, फिर वो टायर को थपकी मारता है, टायर पर के राड मारकर देखता है कि हवा कैसी है। अगर टायरों में हवा का दबाव सही होता है तो फिर डीजल भी कम लगता है और गति, जो स्पीड भी ठीक बन जाती है। और अगर आप जाएं कि मनुष्य के जीवन में आप देख लें कि कहते हैं कि अमुक की हवा निकल गई, अमुक की हवा चल गई, फलाने की हवा निकल गई, फलाने की हवा बन गई। चौधरी देवीलाल भी अपने कार्यकर्ताओं से यही कहा करते थे कि हवा बनाओ।
अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे कि जनता के बीच जाओ, जनता के बीच जाकर के हवा बनाओ और हवा ये बनाओ कि इनकी लहर चल रही है। और चौधरी देवीलाल की पाठशाला के जो विद्यार्थी रहे, जो राजनीति में लोग आए, उनका भी मूल मंत्र रहा कि हवा बनाओ। और अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला तो सीधे कह रहे हैं कि विकास कार्यों को पूछता कौन है, विकास कार्यों को पूछता ही कोई नहीं, ये भी कह रहे हैं। दूसरी बात, और वैसे आजकल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो हैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं तो उनकी रोज नित्य नई बात होती है। एक स्थान पर जाकर तो वो इतना भड़के कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया, सारी मर्यादाएं लांघ गए और यहां तक कह दिया कि हुड्डा के बाप का है क्या, मतलब बिल्कुल एक जो राजनीतिक वाली भाषा होती है उसको। खैर, चुनाव है, चुनाव के अंदर ये सब कुछ चलेगा, ये चुनाव में सब कुछ चलेगा। उसके बाद अगर आए तो फिर अपने जो उनके लाडले हैं दुष्यंत चौटाला, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाते हुए कार्यकर्ताओं को अपना बनाने के लिए अपने बेटे के लिए भी कहा कि भाई इसको समझ नहीं थी। आप इस वीडियो को भी सुने जिसमें उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कहा कि हुड्डा के बाप का, सुनिए इस बात को भी। और ये आपने कल वीडियो में हमारे देखा ही था, मैंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला को उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि तुम्हें मूर्ख बना के चले गए, मूर्ख बनाकर चले गए। तो ये राजनीति है, राजनीति के अंदर वो सब कुछ किया जाता है जिससे कि सत्ता नीति बन जाए, वो सत्ता के शिखर तक, सत्ता की बुलंदी तक या सत्ता में भागीदारी के लिए कुछ भी करेगा। मैं आपको बता दूं कि एक समय था पिछले दिनों में जब 4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे थे, सरकार के सहयोगी थे, उस दौरान की हवाएं कुछ अलग थी। दुष्यंत चौटाला मुख्य चेहरा होते थे, लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ हवा निकली जननायक जनता पार्टी की, इसे हवा निकलने ही कहेंगे कि नैना चौटाला जी उस उचाना में मात्र 4200-4300 वोट ले पाई, जहां पर 45-46 हजार से ज्यादा वोटों से जीत गए थे दुष्यंत चौटाला, उस उचाना की स्थिति भी है, तो इसको हवा निकलना कहते हैं। लेकिन अजय सिंह चौटाला अब हवा बनाने में लगे हुए हैं आजकल। अजय सिंह चौटाला हवा बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि हवा बनाओ, सत्ता खुद आ जाएगी, ये मूल मंत्र है सत्ता का, हवा बनाना। और साथ साथ जो ये कहा, देखिए इस पर सवाल तो उठ सकते हैं कि अगर विकास के नाम पर, कार्य के नाम पर मतदाता जनता अगर वोट करती नहीं तो फिर विकास की नाम चलते क्यों है, विकास की बात आती क्यों है, इस प्रकार की बातें कहीं क्यों जाती हैं, और फिर चुनाव के अंदर वादे क्यों किए जाते हैं कि हम ये करेंगे, केवल हवा से ही काम चल जाना चाहिए। लेकिन राजनीति के अंदर मैंने कहा ना कि जो आपने कह दिया वो सही है और जिससे आपकी हवा बन गई तो फिर सारा हवा का खेल है, हवा बन गई तो फिर आपकी हवा बन गई और आप सत्ता तक पहुंच जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अजय सिंह चौटाला जो अब खुद चेहरा बन रहे हैं जननायक जनता पार्टी का, उससे पार्टी को कितना फायदा होगा? आपको क्या लगता है कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं के जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद चल रहे हैं, इससे क्या पार्टी की हवा बनेगी? और आपको क्या लगता है कि क्या जननायक जनता पार्टी एक बार फिर से, जो उनकी सत्ता की भागीदारी मिल गई थी, कुछ उस मुकाम तक पहुंच सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।